क्रॉस कर रहे थे रोड, सो सर ने देखिए लाइव सांप पकड़ के हमें दिखा रहे हैं। हर चीज हाँ हाय, ये थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद ये बैठे हुए थे चाय पीने, तो मैंने आपको यहाँ से मिलाया था मनोरंजन दास है ना, तो उनकी एक हॉबी के बारे में पता चला, वो ये पड़ोस के गांव में गए थे। देखिए क्या पकड़ के लाए हैं, ये एक वाइल्ड लाइफ स्नेक है, ये उड़ीसा के एरिया में इनका बहुत नाम है। यहाँ पे कभी भी अगर किसी भी तरह का कोई सांप या कुछ भी निकलता है ना तो लोग इन्हें फ़ोन करते हैं। कैन यू सी, अभी प्लान ये है कि उन्होंने मुझसे ऑफ़र किया कि खाना वाना चाय वाय पीने के बाद अगर मैं चाहता हूँ तो उनके साथ अभी हम लोग जंगल चलेंगे और जंगल जाने के बाद इस सांप को वहाँ पे रिलीज़ करेंगे। तो मैंने उनको हाँ कहा है इस बारे में, तो अब देखते हैं। काफ़ी अंधेरा है, मनोरंजन दा और उनकी टीम अभी हम लोग हमारे साथ जा रहे हैं, और जिस तरह मैंने आपको दिखाया वो सांप को अभी हम जंगल में सेफली छोड़ने जा रहे हैं। सो ये है अभी पर्पस। क्रॉस कर रहे थे रोड, सो सर ने देखिए लाइव सांप पकड़ के हमें दिखा रहे हैं। हम एक सांप जंगल पे छोड़ने के जा रहे थे, और जैसे कि आपने देखा कि सर ने, हमारे पास डब्बा नहीं था सेकंड नंबर, तो पहले वाले डब्बे में ऑलरेडी एक जहरीला सांप है, तो इस सांप को उन्होंने हाथ से ही पकड़ लिया, और पकड़ के ये देखिए उन्होंने हाथ पे पकड़ के रखा हुआ है। दादा स्नेक मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाएंगे। अभी हम जंगल की तरफ घुस रहे हैं और कम्प्लीटली पूरी तरह से अंधेरा है। की चेक कर चन? हाथी, हाथी। ओ, हाथी है कि नहीं चेक हो रहा है? ओ, अच्छा। और हम जंगल में करीबन 15-20 मिनट और पैदल चल चुके हैं। मैं बता नहीं सकता, मैंने मोबाइल के टॉर्च लाइट्स अपने फेस पे थोड़ा सा लाइट दिया है सो दैट आई कैन टेल यू गाइस वो क्या रहा है। कॉन्स्टेंट ये टॉर्च के लाइट से देखिए, फाइनल चेकिंग हो रही है कि हाथी है कि नहीं। वो पीछे जो पहाड़ है ना पूरी तरह से अंधेरा, दिख नहीं रहा होगा अभी, तो वहीं से वो लोग खाना खाने शाम को 7 बजे के बाद आते हैं ये कह रहे हैं, और सुबह को 3 या 4 बजे तक फिर से वापस चले जाते हैं। ये हमारे सर मनोरंजन दा, जैसे कि मैंने कहा था इनका भी एक अपना यूट्यूब चैनल है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा। इनको बनाएंगे हम, और ये जंगल के अंदर चला गया वापस। सर कैमरे पे है आप, आपको डर नहीं लगा? नहीं नहीं, डर कैसे लगेगा, मेरा हॉबी है। देखिए सर का हॉबी है ये। चलिए अब हम रिसोर्ट में वापस जाएंगे।